काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने पहली बार सुना था एंड देन आई वाज लाइक काफ़ी गाने मैं ढूंढ रही थी कुछ टाइम से कि म्यूज़िक वीडियो डांस नंबर करना है बिकॉज लोगों ने यहाँ पर मेरा इतना ज़्यादा डांस नंबर वाइब नहीं देखा है एज़ कम्पेयर टू तेलुगु फिल्म्स. ऑफकोर्स दे दे प्यार दे में था बट उसके बाद मोस्टली फिल्म में गाने नहीं थे, रनवे में नहीं था या अटैक में नहीं था या सरदार विक्रांत सिंह में नहीं था. सो आई रियली वॉन्टेड टू डू अ डांस नंबर एंड माशुका सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थॉट इट्स गॉट अ तो क्या हम ऐसा माने कि रतन जी ऐसे अब बहुत सारे म्यूजिक वीडियो या इस तरह नहीं नहीं मतलब माने एक कर ली तो बहुत सारे थोड़ी करेंगे. ये एक करने का मन था कर ली फिर देखेंगे. मेन तो फिल्म्स हैं बट आई जस्ट इस तरह से और जब कुछ ऐसा आएगा शेयर करने वाला तो बताऊंगी. एंड ये गाना जो सबसे अच्छी बात ये पैन इंडिया में हमने देखी जी आपको तेलुगु कमेंट में आप बताइए कोई गाना कोई फिल्म भी आप देखते हैं कि आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज अलग अलग ऑडियंस है हर जगह की एंड फॉर मी स्पेसिफिकली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये गाना तेलुगु में भी जा रहा है तमिल में भी बिकॉज देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोइंग कि तेलुगु फिल्म कब कर रहे हो वापस से कब कर रहे हो कब कर रहे हो. सो यू नो दैट इज़ द रीज़न कि ये गाना तेलुगु में भी रिलीज होगा एंड आई होप दे लाइक इट. तेलुगु की बात करेंगे हाँ हाँ आप करके अपने सोशल मीडिया पर डालना प्रॉमिस एंड मैं आपको टैग करूँगा. सो कितना इजी रहता है आपके लिए कोई भी स्टेप जैसा कि आपने बताया कि वन वीक गया नॉट पूरा वन वीक आपके लिए कितना इजी हो जाता है कितना टफ हो जाता है डिपेंड्स ऑन द स्टेप. लेकिन मुझे मैं रिहर्सल डांसर हूँ मुझे रिहर्सल करना पसंद है बिकॉज आई फील कि यू नो अगर वो आपका स्टाइल नहीं है सपोज तो आपको उसको अपना स्टाइल बनाने में टाइम लगता है बट ओवर द इयर्स आई स्टार्ट टू एंजॉय डांसिंग. एक टाइम बहुत पहले जब मैंने शुरू किया था मुझे डांसिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बट ओवर द इयर्स आई स्टार्टेड एंजॉयिंग डांसिंग. एक फिल्म को मिलती है उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलरिटी मिलती है तो ये जो टाइम आया है ये कैसे देखती हैं राकुल जी? ऐसा होता है जैसा कोई यहाँ अगर हम कोई भी म्यूजिक वीडियो देखते हैं हिट होता है तो बहुत सारे रील्स बनते हैं बहुत सारे स्टेप्स बनते हैं. आई रियली होप आई थिंक द रीज़न कि माशुका हुक स्टेप को बहुत इजी रखना चाहते थे कि सब कर पाए. सो आई रियली होप लोग इसे पसंद करें एंड वायरल करें. बिल्कुल. सो ये जो नाम टाइटल माशुका ये आपका डिसीजन था या डायरेक्टर? ये मेरे पास आया ही था टाइटल ट्रैक के साथ. ओके. एंड लोकेशन की अगर हम कुछ बात करें क्योंकि आपने बताया कि ये बहुत पहले आई थिंक शूट किया गया था. नहीं नहीं होता है म्यूजिक वीडियोस में यू नो बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता है या इतना वो नहीं एंड हर सेट पे हमने पूरी कोरियोग्राफी की. सो काफ़ी मज़ा आया. मेरी हालत ख़राब हो गई थी बाय द एंड ऑफ इट बिकॉज डांस कर करके आई रिमेंबर रात को 9 बज रहे थे कट बोलने से पहले लास्ट शॉट में आई वॉज लाइक डन एंड द लास्ट वी वर शूटिंग वॉज दैट क्यूबिकल शॉट. पीछे हार्डवर्क होता है पर हार्डवर्क के बिना कुछ आता भी नहीं है कुछ मिलता भी नहीं है. एंड इसके अलावा बैक टू बैक आपकी फिल्में हैं जी तो आप बताइए कि नेक्स्ट क्या कुछ पहले कौन सी देखने को मिलेगी? आई थिंक अभी पहले तो मेकर्स बताएंगे बट छतरी वाली है अक्षय सर वाली फिल्म है थैंक गॉड है दिवाली पे और डॉक्टर जी है ये सब रेडी है. पूरी लिस्ट है पूरा ऐसा मान ये साल पूरा पैक है रकुल जी का बुक यस आप ऐसा मान सकते हो बट रकुल इज अ पर्सन जो इतना इतनी हंग्री है अच्छे काम के लिए कि जब कुछ अच्छा आएगा तो मैं उसके लिए भी जगह बना दूंगी. सुपर. चलिए तो ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जाते आते हैं? वेल मैं बस ये कहना चाहूंगी दैट माशुका बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है एंड वी हैव ट्राई टू डू समथिंग न्यू एंड यू नो आई होप आप लोगों को गाना अच्छा लगे एंड अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपनी रील्स बनाइए और उसे सोशल मीडिया पर डालिए. थैंक यू. माशुका मैंने एक्चुअली बहुत काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने पहली बार सुना था एंड देन आई वाज लाइक काफ़ी गाने मैं ढूंढ रही थी कुछ टाइम से कि म्यूज़िक वीडियो डांस नंबर करना है बिकॉज लोगों ने यहाँ पर मेरा इतना ज़्यादा डांस नंबर वाइब नहीं देखा है एज़ कम्पेयर टू तेलुगु फिल्म्स. ऑफकोर्स दे दे प्यार दे में था बट उसके बाद मोस्टली फिल्म्स में गाने नहीं थे जैसे रनवे में नहीं था या अटैक में नहीं था या सरदार का ग्रैंडसन में नहीं था. सो आई रियली वॉन्टेड टू डू अ डांस नंबर एंड माशुका सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थॉट इट्स गॉट अ वेरी रिलेटेबल एक होता है ना एक धुन जो हमारे लिए नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि
जल्दी से आप जानते हैं उसको यू नो, तो उस तरह का गाना मुझे लगा. एंड देन जब चरित जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया मुझे, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखें के पॉप जो इतने 6 सेट्स लगाकर कट 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 करके इस तरह का गाने नहीं बनाए गए अभी तक, विजुअली नहीं देखा गया. सो आई थॉट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द कोरियोग्राफी ऑल्सो डिम्पल कोरियोग्राफ्ड इट एंड मेड इट लुक वेरी रिलेटेबल अगेन. जो हुक स्टेप है हम चाहते थे कि सब लोग कर सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे ये तो हो ही नहीं पाएगा यू नो. सो आई रियली एंजॉय डूइंग माशुका. नो इट्स अ लर्निंग, टफ या इजी नहीं था, बट आई थिंक हम लोगों ने अबाउट 1 वीक प्रैक्टिस की थी. मतलब 1 वीक मतलब नॉट 1 वीक फुल्ली, एक एक घंटा रोज थोड़ा बहुत जितना टाइम निकल सकता था. एंड आई रियली एंजॉयड द कोरियोग्राफी ऑफ द सॉन्ग. तो क्या हम ऐसा माने कि रकुल जी ऐसे अब बहुत सारे म्यूजिक वीडियो या नहीं नहीं मतलब माने एक कर ली तो बहुत सारे थोड़ी करेंगे, ये एक करने का मन था कर ली. फिर देखेंगे. मेन तो फिल्म्स हैं बट आई जस्ट फेल्ट कि इस तरह का कुछ किया नहीं गया है सो लेट्स डू इट. जब कुछ ऐसा आएगा शेयर करने वाला तो मैं बताऊंगी. जी आपको तेलुगु तमिल में भी दिखेगा. आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज अलग अलग ऑडियंस है हर जगह की. एंड फॉर मी स्पेसिफिकली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये गाना तेलुगु में भी जा रहा है, तमिल में भी, बिकॉज देयर इज़ अ सर्टन नंबर ऑफ फॉलोइंग और जो फैंस हैं वहाँ के. और मुझे सोशल मीडिया पे हमेशा मैसेजेस आते हैं कि तेलुगु फिल्म कब कर रहे हो, वापस से कब कर रहे हो, कब कर रहे हो. सो यू नो दैट इज़ द रीज़न कि ये गाना तेलुगु में भी रिलीज़ होगा. एंड आई होप दे लाइक इट. थैंक यू. आप करोगे? हाँ हाँ आप करके अपने सोशल मीडिया पे डालना, प्रॉमिस. ओके डिपेंड्स ऑन द स्टेप. लेकिन मुझे, मैं रिहर्स डांसर हूँ, मुझे रिहर्सल करना पसंद है बिकॉज आई फील कि यू नो अगर वो आपका स्टाइल नहीं है सपोज, तो आपको उसको अपना स्टाइल बनाने में टाइम लगता है. बट ओवर द ईयर्स आई स्टार्टेड टू एंजॉय डांसिंग. एक टाइम बहुत पहले जब मैंने शुरू किया था मुझे डांसिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट ओवर द इयर्स आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग डांसिंग. ऐसा होता है राइट. सो आई रियली होप, आई थिंक द रीज़न कि माशुका को हमने इतना रिलेटेबल रखा है, माशुका इज़ अ वर्ड जो सब समझते हैं. माशुका इज़ लवर एंड ईच वन ऑफ अस हैज़ अ लवर. यू नो इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई लवर होता है. एंड द रीज़न हमने उसको इतना रिलेटेबल रखा है कि लोग उसको कर सके. ऐसा होता है ना जब कोई हिट गाना आप क्लब में सुनते हो तो सारे दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ ये स्टेप, तो आप वो कॉमन स्टेप्स करते हो यू नो, अभी तक आपको ये याद है. सो हम हुक स्टेप को बहुत ईजी रखना चाहते थे कि सब कर पाएँ. सो आई रियली होप लोग इसे पसंद करें एंड वायरल करें. नहीं नहीं ये गाना ये मेरे पास आया ही था टाइटल ट्रैक के साथ. नहीं नहीं बहुत पहले, मैंने कब बताया? नहीं किसने बताया? मैंने ये हम लोगों ने सेट पे शूट किया और 6 सेट्स थे सेट पे, 6 बैकग्राउंड्स थे जैसे आपने म्यूजिक वीडियो में देखा है, 6 चेंजेस जो जनरली नहीं होता है म्यूजिक वीडियोस में यू नो, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है या इतना वो नहीं. एंड हर सेट पे हमने पूरी कोरियोग्राफी की है. सो काफ़ी मज़ा आया. मेरी हालत ख़राब हो गई थी बाय द एंड ऑफ इट बिकॉज डांस कर करके आई रिमेंबर रात को 9 बज रहे थे कट बोलने से पहले. लास्ट शॉट में आई वॉज लाइक डन एंड द लास्ट वी वर शूटिंग वॉज दैट क्यूबिकल शॉट जो ब्लैक एंड डेनिम शॉर्ट्स वाला, वो लास्ट था जो हमने शूट किया एंड आई वॉज डेड बाय देन. तो कितना हार्ड वर्क
ऑफकोर्स हार्डवर्क होता है, बट हर काम के पीछे हार्डवर्क होता है, बट हार्डवर्क के बिना कुछ आता भी नहीं है, कुछ मिलता भी नहीं है. जी आई थिंक अभी पहले तो मेकर्स बताएंगे, बट छतरी वाली है, अक्षय सर वाली फिल्म है, थैंक गॉड है दिवाली पे, और डॉक्टर जी है, ये सब रेडी हैं. एंड आई एम शूटिंग अभी एक फिल्म और नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग अनदर फिल्म. यस आप ऐसा मान सकते हो, बट रकुल इज़ अ पर्सन जो इतना इतनी हंग्री है अच्छे काम के लिए कि जब कुछ अच्छा आएगा तो मैं उसके लिए भी जगह बना लूँगी. वेल मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट माशुका बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है एंड वी हैव ट्राइड टू डू समथिंग न्यू एंड यू नो आई होप आप लोगों को गाना अच्छा लगे. एंड अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपनी रील्स बनाइए और उसे सोशल मीडिया पर डालिए. Thank you so much.